हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बालों को सही पोषण देने के लिए, बालों की ग्रोथ को डबल करने के लिए, जड़ से मजबूत, काला और घना बनाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताऊंगी जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में 1 से 2 बार अपने बालों को नरिश करना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ ठीक से हो सके। अगर बालों को सही पोषण मिलेगा तो उनकी ग्रोथ भी ठीक से होगी, उनका झड़ना भी दूर होगा और बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल और घरेलू नुस्खा आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। इससे आपके बाल शाइन करेंगे, आपके बालों में अलग सी चमक भी आएगी। बहुत ही अच्छी और अजमाई हुई रेमेडी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए क्योंकि मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक पैन में 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है। इसके बाद में लेना है चाय की पत्ती। ये वही चाय की पत्ती है जिसे आप घर में चाय बनाने में यूज़ करते हैं, ये आपको आसानी से सभी घरों में मिल जाती है। चाय की पत्ती बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होती है, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और जो बाल झड़ रहे होते हैं उनको भी झड़ने से रोक देती है। यहाँ पर आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर लूँगी राइस, यानी कि चावल। यहाँ पर आप कोई भी वाइट कलर का राइस यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच आपको यहाँ पर चावल लेने हैं। अब इसको 5 से 10 मिनट्स तक अच्छे से बॉईल होने देना है ताकि इन सभी की गुडनेस इस पानी में अच्छे से आ जाए और हमारा एक मैजिकल वाटर बनकर रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, बालों की सही ग्रोथ के लिए और बालों को झड़ने से रोकने के लिए मैं आपको बिल्कुल नेचुरल और सही नुस्खा बता रही हूँ आपको। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर नुस्खा है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी डार्क होने लग गया है, इससे आपके बालों में अलग सी साइन आएगी, चमक आने लगेगी, बाल इससे स्मूथ और सिल्की बनेंगे। इसको लगाने से बालों की ग्रोथ भी डबल होने लगेगी। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल और चाय की पत्ती की गुडनेस इस पानी में अच्छे से आ चुकी है, ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसे किसी स्ट्रेनर की सहायता से इसे छान लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा पानी बनकर तैयार हुआ है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बालों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करेगा। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। अब आपको इसमें करना क्या है, अब आपको इसमें मिलाना है 1 चम्मच ऑयल। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके बालों को सूट करे। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको यहाँ पर खास चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो है विटामिन ई का कैप्सूल। ये हमारे बालों को भरपूर पोषण देता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं यहाँ पर विटामिन ई का 1 कैप्सूल यूज़ करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे बड़ी आसानी से घर पर रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। आपको इसको उसी तरीके से बनाना जिस तरीके से आप अपने घर पर चाय वगैरह बनाते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से अपने बालों पर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आपको वीक में इसे 1 से 2 बार ज़रूर यूज़ करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेना है। शैम्पू से वॉश करने के बाद में आपको अपने बालों की जड़ों पर और बालों पर अच्छे से लगा लेना है। मीन्स शैम्पू के बाद में आपको अपने बालों को इस वाटर से वॉश कर लेना है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही अपने बालों पर लगा कर छोड़ सकते हैं, ये आपके बालों पर अच्छे से वर्क करेगा। नहीं तो इस पानी को लगाने के बाद में आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से फिर वॉश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रेमेडी है, यह आपके बालों को सही से नरिश करेगी, बालों की ग्रोथ को डबल कर देगी, आपके बालों को जड़ से काला, घना और मजबूत भी बनाएगी। देखते ही देखते आपके बालों का झड़ना बंद होने लगेगा। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारगर रेमेडी है, आप इसे ज़रूर अप्लाई करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे ही घरेलू और नेचुरल रेमेडीज़ लाती रहती हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होती हैं। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नेचुरल और घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।